सबसे पहले तो भगवान जी को ही और फिर मेरी सारी फैमिली को जिन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है, इमोशनली भी और स्टडीज में भी मेरी पूरी हेल्प मेरे फादर ने मेरे साथ मिलके की है। काफ़ी न्यूज़पेपर्स वो पढ़ते रहे हैं और उन्होंने मार्क कर करके दिए ताकि मेरा टाइम सेव किया जा सके, और मेरे ब्रदर मेरी मदर इन सब ने इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मॉरली बहुत सपोर्ट किया है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पापा ने इवन स्टैटिक की बुक्स भी पढ़ी मेरे साथ ताकि वो मुझे सजेस्ट कर सकें, गाइड कर सकें, डिस्कस कर सकें। तो आई थिंक मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमेशा से मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रे किया है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे ग्रैंड फादर अब नहीं है, वो दिसंबर में पास आउट हो गए, बट मेरी ग्रैंड मदर है एंड शी इज़ ऑल्सो प्रेइंग फॉर मी, सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ देम। और उससे पहले मैंने 2019 में विनोद शर्मा सर से भी गाइडेंस ली, तो उन्होंने भी मेरा बेस स्ट्रॉन्ग करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, तो मैं उनका भी बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हैव फेथ इन योर सेल्फ, डू नॉट क्विट, और रिफ्लेक्ट बैक ज़रूर करें वट एवर योर मिस्टेक्स हैव बीन। इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल टू पास थ्रू एन अटेम्प्ट, तो डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स हमसे रह जाती हैं और वो करेक्ट हो सकती हैं, जैसे कि मैंने भी अपनी मिस्टेक्स के थ्रू ही अपने आप को करेक्ट किया है। सो रिफ्लेक्ट बैक करें, एनालाइज करें और हार्डवर्क और स्ट्रैटेजी का एक कॉम्बिनेशन बनाएं। तो देर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्डवर्क, बट स्ट्रैटेजी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं और फैमिली की सपोर्ट होती है, तो आई थिंक वी कैन गेट व्हाटएवर वी वांट।